यहाँ पर चलते चलते आईफोन से हो चुका है नेटवर्क गायब। तो ये है आईफोन 13 प्रो मैक्स, न तो कॉल लग रहा है न इसमें नेटवर्क शो हो रहा है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ कि हुआ क्या। सुबह जब मैं यूज़ किया एक बार, उसके बाद से ये बंद हो चुका है। तो अभी हम ट्राई करेंगे कि क्या इसमें नेटवर्क है या नहीं है। तो पहले मैं जो एयरटेल का जो कस्टमर वाला नंबर होता है जो, उसको डायल करके अपन चेक करते हैं कि इसमें नेटवर्क है या नहीं है। और ये 13 प्रो में इश्यू आया, देखिए एरर आ रहा, परफॉर्मेंस एरर आ रहा। और ये मैं यहाँ से इसको डिसमिस करता हूँ। तो जब आईफोन में एरर आता है तो सबसे पहले हम करेंगे कि नेटवर्क गया है, तो इसके नेटवर्क का इश्यू हो सकता है या सॉफ्टवेयर का इश्यू हो सकता है। तो चलते हैं सबसे पहले अपन इसकी जनरल सेटिंग में, यहाँ से अपन इसका करेंगे नेटवर्क रीसेट जो होता है उसको कर लेते हैं। तो मैं आ चुका हूँ सेटिंग में, गेट स्टार्ट, और यहाँ पे क्लोज कर देंगे इसको। और नीचे देखिए रीसेट आ रहा है, इसमें हमें नेटवर्क का इश्यू है इसलिए इसको करेंगे रेस्ट रीसेट नेटवर्क सेटिंग। तो यहाँ पे जो इसका पिन है वो लगा लेते हैं और यहाँ पर ये रीसेट हो जाएगा। ओनली नेटवर्क का डाटा वगैरह कुछ भी रेज नहीं होगा। तो मैं ये आपको दिखा रहा हूँ, ये कुछ टाइम लेगा, जैसे ही नेटवर्क रीसेट होगा ये वापस रीस्टार्ट हो जाएगा। और अब मेरी जो सिम काम नहीं कर रही थी, यहाँ से मुझे पता चल जाएगा कि नेटवर्क की इश्यू थी। तो नेटवर्क का इश्यू होगा तो मेरा मोबाइल वापस नेटवर्क में आ जाएगा, और यदि और कोई इश्यू है तो वो भी शो हो जाएगा। तो अभी वेट करते हैं फ़ोन ऑन होने का। देखिए ये हो चुका है हमारा फ़ोन वापस रीसेट होके। अब क्या बताएगा फ़ोन, देखते रहिए। ये रीसेट हो चुका है, जैसे ही ऑन होगा तो जो एरर है सॉफ्टवेयर का एरर है तो सॉफ्टवेयर का एरर शो देगा, और सिम है यदि ब्लॉक तो उसका भी इश्यू बता देगा। तो ये देखिए नीचे लिख के आ गया, सिम लॉक हो चुकी है। सिम लॉक होने का रीजन होता है पास कोड वगैरह जो होता है, पुक कोड वगैरह हमने एक्टिव कर रखा और उसको एक दो बार गलत लगाने से इश्यू आ गया। तो ये देखिए अब हमारे पास आ रहा है एंटर पुक नंबर, और उसमें भी आ रहा है 10 टाइम लगाने वाला। तो अब एंटर पुक नंबर के लिए कोई भी गूगल पे सर्च कर लेगा तो उसके बेसिक तरीके, सबसे पहला जो होता है किसी एयरटेल यूजर के मोबाइल में जाके ये पिन लगाना, *1**1*2*1*5#1#। इसमें जो एयरटेल वाली सिम है उससे अपन डायल करेंगे नंबर, और कैरियर इन्फो में जाके अपने पास जो ऑप्शन आएगा उसमें से अदर पुक नंबर जो जिसका सिम बंद हुआ उसका नंबर डाल देंगे। तो यहाँ पे देखिए पुक नंबर 3 ऑप्शन है, मैं यहाँ पे 3 डाल दूंगा। जैसे ही मैं 3 डालूंगा नेक्स्ट कर दूंगा, उसके बाद में वेट करेंगे। रिप्लाई आ चुका है, किसका देखना, खुद का देखना है तो 2 नंबर, 1 नंबर अदर का। तो मेरा अदर सिम बंद हुआ, अदर मोबाइल जो मेरा दूसरा वाला मोबाइल है उसके लिए। तो मैंने यहाँ पे दूसरे वाले मोबाइल का नंबर डाल दिया, जो आपके सामने मैं नंबर डाल रहा हूँ ये मेरे दूसरे वाले सिम का नंबर है जो मेरा आईफोन में लगा हुआ है, इसको मैंने डाल के भी सेंड कर दिया। अब ये मेरे से डेट ऑफ बर्थ मांगेगा। यदि सिम में आपका जो है वो आपके नाम से है या जिसके नाम से है और आपको पता है किस नाम से है और उसका डेट ऑफ बर्थ आपको पता है, तो जो मंथ इसके बाद में नहीं, डेट मंथ और ईयर कंप्लीट डालने पे आपको रिप्लाई आ जाएगा। यदि आपको पता नहीं है तो आपका यहाँ पे वो एरर शो कर देगा और आएगा नहीं, डेट ऑफ बर्थ जो गलत होगा तो गलत रॉन्ग बता देगा। और ये मैंने करके उसके बाद में पता भी कर दिया था, मेरे पास पुक नंबर आ गया था, तो मैं जा पहुंचा एयरटेल स्टोर आपके सामने और यहाँ पे आके मैंने इनसे बात की है। तो देखिए ये लोग सुबह सुबह जल्दी में मेरा मोबाइल बंद हो गया था, तो अभी ये लोग सफाई वगैरह कर रहे हैं। अभी इसी टाइम मॉर्निंग में ये लोग आए थे, मैं भी मॉर्निंग में जा पहुंचा इनके पास में, और यहाँ पे इन्होंने रीसेट करके मेरे से पुक नंबर मांगा और पुक नंबर हमने लगा भी दिया। उसके बाद में क्या हुआ कि उन्होंने बोला कि पुक नंबर का इश्यू नहीं है, इश्यू है सिम का। तो उन्होंने बोला आप जाइए घर और जिसके नाम से सिम है उनको लेके आइए। तो हम उनको भी लेके आ चुके हैं, आप देख सकते हैं ये हमारी सिम, और हमारे को यहाँ पे सिम रिप्लेसमेंट करवा दिया है। तो इश्यू था जो वो हमारा था सिम में, सिम ब्लॉक हो चुकी थी। तो आईफोन 13 प्रो मैक्स में पुक नंबर लगाने से भी सिम एक्टिव नहीं हो रही थी, तो सिम को हमने यहाँ पे चेंज करवा दिया है और उन्होंने बता दिया है कि। तो वैसे पुक नंबर आप एयरटेल स्टोर से भी ले सकते थे, लेकिन हमने यहाँ पे आके लिए पुक नंबर, और यदि आपको पता होता डेट ऑफ बर्थ का तो भी ले सकते थे। तो हमने तो यहाँ पे ये कर दिया। तो अब आखिर नहीं हुआ जो सारा प्रोसेस था, वो करने के बाद भी हमने सिम ले ली है, नई सिम लगा दी है। तो आपको दिखा देता हूँ, अब नेटवर्क आने लग गया इसमें, यहाँ पे ये इसमें कहाँ बताएगा नेटवर्क,
अभी नेटवर्क बता नहीं रहा है, नो सर्विस बता रहा अभी, लेकिन अभी बताया है कि 2 घंटे में आपकी सिम एक्टिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब था सिम ही ब्लॉक हो गई थी, पुक नंबर लगाने के बाद भी हमारा काम नहीं हो रहा था। वो वीडियो को लगा आपको अच्छा तो कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मिलते हैं फिर किसी नई वीडियो में। ये खास करके आईफोन में दिक्कत आती है तब ऐसा होता है, देख सकते हैं आप।